तीन बीघा जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे दो पक्षों को पुलिस ने शांति भंग की धारा में कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। मामला कांदला थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा का है। वहीं आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव भनेड़ा का है, जहां पर मात्र तीन बीघा जमीन के लिए दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मामला बुधवार शाम का है, जब पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव भनेड़ा में दो पक्ष धारदार हथियारों के साथ एक दूसरे की ताक में घात लगा बैठे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग की धारा में चालान करते हुए जेल भेज दिया है। कांदला थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा निवासी सत्यवान और महिपाल पक्ष का काफी समय से तीन बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते दोनों पक्षों में काफी बार मारपीट भी हो चुकी है। मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी चौधरी का कहना है कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को शांति भंग की धारा में चालान कर जेल भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है, हमारे साथ चार तीन भाई थे, एक हमारा बेनाम हो गया। कितनी जमीन है? लगभग छच्चा साढ़े छच्चा बीघे जमीन है। कितने दिनों से विवाद चल रहा है आपका? विवाद तो जी इसे होगी 8-10 दिन में, झगड़ा कल हुआ था। ये गांव भनेड़ा के रहने वाले हैं ये लोग, इनका जमीनी विवाद है आपस में, और आज सूचना मिली थी कि ये जमीन के चक्कर में आप झगड़ा कर रहे थे, इन्हें गिरफ्तार कर 104 कार्रवाई की गई। ना उससे पहले नहीं आज झगड़ा हुआ था।